अगर हम फोर्सफुली एयर को इनहेल करें तो इतना बढ़ जाएगा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है दैट कैन बी इनहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुली इंस्पिरेशन, और ये 2500 ml से लेकर के 3000 IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू वैल्यू। अगर इसको हम डीवी से जोड़ दें तो ये आईसी हो जाता है, इंस्पिरेशन कैपेसिटी हो जाता है, आईसी इंस्पिरेशन कैपेसिटी। तो ये टीवी डीजल वैल्यू प्लस आईआरवी, तो इसकी वैल्यू अगर 500 जोड़ दें तो 3000 से लेकर के 3500 ml हो सकता है आईसी इंस्पिरेशन कैपेसिटी। अब दूसरा होता है एक्सप्रेशन, ईआरवी दिस इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हम दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, दैट कैन बी एक्सपायर्ड एक्स्ट्रा अमाउंट। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट कितना होता है, 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक हो सकता है। तो इसका मतलब हम हवा को ज्यादा भर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन बहुत ज्यादा हवा निकाल नहीं सकते। ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम होता है 1000 से लेकर के 1100 ml तक होता है। अब ये जो हवा निकाली गई इसके बाद भी कुछ हवा लंग्स में शेष रहती है, जो हवा बची रहती है उसको हम रेजिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। जब उसकी हवा निकालना है फिर भी हवा कुछ बची रहती है उसको हम रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं, इसकी वैल्यू 1000 से लेकर के 1200 ml तक हो सकता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। अब इससे एक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाला, अगर इसमें यहां से लेकर यहां तक पूरा जोड़ दे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा ईसी हो जाएगा। ईसी ईसी का मतलब ईवी में ईआरवी जोड़ दो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टीडर वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये आपका 500 और ये आपका 1000, तो इसका मतलब ये 1500 से लेकर के 1600 ml तक ये हो सकता है, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। अब कभी कभी बात होता है कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी हवा लंग्स में रहती है नॉर्मली, तो नॉर्मली लंग्स में इतनी हवा रहती है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लंग्स में इतनी हवा हमेशा मौजूद रहती है, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कैसे निकलता है, जो ईआरवी है जो हम फोर्सफुली हवा निकाल रहे थे और
और उसमें जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम है आर वी, मतलब 1000 से लेके 1100 प्लस 1000 से लेके 1200। तो अगर इसमें मैक्सिमम देखें तो अगर 2000 से लेकर के 2300 ml तक ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के कारण नॉर्मली जब फीडर वाले इतनी हवा नॉर्मली हम लेते और छोड़ते हैं लंग्स में, इतनी हवा लंग्स में नॉर्मली पड़ी रहती है, तो ये वाला हिस्सा 1000 से 1100 और ये वाला हिस्सा 1000 से 1200, तो कुल मिलाकर के 2000 से 2300 ml तक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। अब कभी कभी पूछता वाइटल कैपेसिटी क्या चीज है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, मतलब लंग्स कितनी हवा खींच सकता है और कितनी हवा टोटल निकाल सकता है। तो अगर वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये पूरा यहां से शुरू होता है और यहां तक, जहां तक मैक्सिमम हवा निकाल सकते हैं, मतलब इसमें ये ईआरवी आईआरवी हो सकता है, इसमें टीबी भी हो सकता है, इसमें ईआरवी भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हवा मैक्सिमम एयर इंस्पायर एक्स्ट्रा आईआरवी नॉर्मली टीबी एंड मैक्सिमम एयर कैंड एक्सपायर ईआरवी, इन सबको जोड़ देंगे तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी का मतलब टीवी प्लस ईआरबी प्लस आईआरबी, इतना बात ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फिर से आपको पूरा गैप कर दे रहे, यहां से ऐसे देखिए पूरा साफ सुथरा देखिए, ये नॉर्मल लंग्स की बिल्डिंग कैपेसिटी बता रहा है। ये जो है 500 एमएल को बता रहा है, मतलब ये टीवी बता रहा है, इतना हिस्सा आईआरवी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इतना हिस्सा ईआरवी है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है ये, दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुली इंस्पिरेशन। फोर्सफुली इंस्पिरेशन में हम मैक्सिमम जितनी एयर इनहेल कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको 2500 से लेकर के 3000 तक, इसकी वैल्यू 1000 से लेकर के 1100। अब जो एयर बच गई लंग्स में आरवी है रिजर्व वॉल्यूम है, अब प्रश्न उठता है इससे हम क्या क्या और निकाल सकते हैं, इससे हम आईसी निकाल सकते हैं, पहली बात समझिएगा, इससे हम आईसी निकाल सकते हैं। आईसी क्या है, ये यहां से लेकर टोटल आईसी, मतलब इंस्पिरेटर कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पीवी ये टीडर वॉल्यूम है प्लस आईआरजी ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ये ईआरवी है, ये आरवी अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालना है
और देखिए ईसी निकालना है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकालना है, ईसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो टीबी में ईआरवी जोड़ दी हुई, ईआरवी यहां तक है, टीबी ये है, ये इतना हिस्सा ईसी, ईसी ये हो गया, आईसी ये हो गया, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इन दोनों को जोड़ दे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सब कैपेसिटी की बात हो रही है, आईसी की, ईसी की या फारसी की, और फिर एक बात आती है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कहां से लेकर कहां तक लेंगे, ये पूरा यहां से लेके आता है, ये पूरा ये वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी मतलब लंग्स में कितनी हवा ली जा सकती है मैक्सिमम, तो मतलब इस आई आर वी को जोड़ दीजिए, टीवी को जोड़ दीजिए और ई आर वी को जोड़ दीजिए, वाइटल कैपेसिटी निकल जाएगा, और अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आर वी और जोड़ दीजिए, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो होगा ये चीज थी, और टोटल लंग कैपेसिटी बात करें अगर हम, ये टोटल लंग कैपेसिटी मतलब इसमें आरवी भी जोड़ देंगे, मतलब वीसी प्लस आरवी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम तो जोड़ देंगे, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा, टीएलसी हो जाएगा, तो याद रखिए आईआरवी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर टोटल वॉल्यूम आईआरवी, ये वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है ज्यादा हवा खींच सकते, ERV extra amount of air expired, ये वॉल्यूम कम है, कम हवा निकाल सकते हैं, 1000 to 1100, इस RV की बात नहीं किए कितनी हवा लेफ्ट रहती है एयर, 1000 to 1200 ml दिस एयर इज लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन आरवी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वर्क करता है, लंग्स में हम जो हवा निकालते हैं खींचते हैं छोड़ते हैं केवल टीबी करते हैं, 500 ml लिया छोड़ा लिया छोड़ा, तो नॉर्मली हम ये काम करते हैं, नॉर्मली हम ये काम करते हैं, फिर भी लंग्स में कुछ एयर जो बची रह जाती है जब हम हवा निकाल चुके होते हैं, उसके बाद भी एक्सचेंज हमारे लंग्स में चलता रहता है, उसकी वजह है एफआरसी, तो कभी कभी पूछता है कि जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये कई बार पूछा गया है, इसको भी आप जान लो क्या इसका इम्पोर्टेंस है।